गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दो तीन टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, वेन डायग्राम, कैलेंडर और टाइम एंड वर्क अभी चल रहा है, तो आज हम लोग सोचे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन ही आने वाला होता है, और क्वेश्चन जितना ज्यादा करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कैसे है, चूंकि अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो भी डायग्राम्स लगेगा मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो हमारे पास ये एक बुक है, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल, एस चांद पब्लिकेशन का। ठीक है, इधर आपके पास ये बुक है तो आपको बहुत बढ़िया, और मेरे पास ये लेटेस्ट एडिशन है, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला जो एडिशन है वही है मेरे पास। ठीक है, रीप्रिंट 2018। तो इसका पीडीएफ जो है सो कि इसका लिंक जो है कि पीडीएफ का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है तो बहुत बढ़िया, उसमें आप पीडीएफ खोल लीजिएगा क्वेश्चंस का, साथ साथ में वीडियो देखिएगा। और यदि प्रिंट आउट करवा सकते हैं तो उस पीडीएफ को प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप में क्वेश्चन खोल लीजिए, मोबाइल में वीडियो देखिए, चाहे मोबाइल में क्वेश्चन रखिए या लैपटॉप में वीडियो देखिए, जैसा भी आपको लगे, आप जैसा कन्वीनियंट समझे। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं हम हर एक क्वेश्चन का लैंग्वेज हम एक बार बोलेंगे, आपको लगता है कि मेरा बोलने के साथ ही आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा तो नोट कर लीजिए, जैसा भी हो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चंस रह भी गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आपको बहुत सारा फिगर दिया हुआ रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ रहेगा, ये पूरा एक लंबा स्टेटमेंट है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेंस थ्री एलिमेंट्स, दीज थ्री एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सम लिंकेज, each group of the elements may fit into one of the diagram A, B, C, D, E. You have to indicate groups of elements in each of the questions which fit which into which of the diagram given below. The letter indicating the diagram is the answer. ठीक है, क्या किया हुआ है, जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट डायग्राम हमारा ये है, ठीक है, सेकेंड डायग्राम हमारा ये है, ठीक है, थर्ड डायग्राम हमारा ये है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ठीक है, फोर्थ डायग्राम हमारा जो है सो कि ये है, ये हुआ और एक यहां पे है, फिफ्थ डायग्राम हमारा ये है। ठीक है, इधर आपके पास बुक है तो बुक में ये लेटेस्ट वाला बुक का जो है पेज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 30-40 क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर एक्सरसाइज 9B का भी करेंगे लगभग 30-40 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में एक मिक्स क्वेश्चन होता है उसका भी हम लोग देखेंगे, देखते हैं मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाता है करेंगे हम लोग। हाँ, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वेजिटेबल्स पोटैटो और कैबेज। ठीक है, ये वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई आपको बताना है इन तीनों के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरह सारा क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं इस बुक में जो दिया हुआ है, इस बुक की अच्छी बात है कि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैंक पीओ 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ए बी सी डी ई। पहले तो हम लोग जानते हैं वेजिटेबल सब्जी, पोटैटो मतलब आलू, कैबेज मतलब होता है गोभी, क्या भी मतलब होता है गोभी, तो आप खुद ही सोच करके देखिए इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम खुद से सोच कर देखिए। जैसे कि आप क्या कीजिएगा कि यदि अगर आप अभी एट प्रेजेंट आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो भी मैं क्वेश्चन होगा वीडियो के बाद पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन में आपको ये करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ट्राई कीजिए, आप सोचिए, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि वेजिटेबल जो है सो कि क्या है, ये सब्जी है पोटैटो और ये कैबेज, तो पोटैटो भी सब्जी है कैबेज भी सब्जी है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके अंदर आएगा, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें से हम लोग देखें तो कौन डायग्राम फिट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का पोटैटो हो जाएगा, ये कैबेज हो जाएगा, और ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, वेजिटेबल के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा इधर कोई भी आप डायग्राम देखे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे डायग्राम को डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे कौन सा आंसर होगा, उसके बाद में आप खुद ही देख लीजिएगा अदर सारा ऑप्शंस क्यों नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, तो ये तो किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर किसी एक को भी हम लोग मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं पोटैटो, इसको कैबेज, इसको मान लेते हैं वेजिटेबल। ठीक है,
तो सारा पोटैटो कैबेज कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ ये भले हो सकता है कि पोटैटो और कैबेज इसके वेजिटेबल के अंदर आएगा, लेकिन ये जो अंदर वाला डायग्राम है ना, पोटैटो कैबेज के अंदर आ सकता है ना कैबेज पोटैटो के अंदर आ सकता है, तो ये नहीं होगा, बी तो मेरा आंसर है नहीं। अच्छा बात यहां तक है, ठीक है। ये सी वाला, सी बोलता है कि पोटैटो भी अलग है मतलब कैबेज भी अलग है, चलो इसको ये मान लेते हैं, इसको पोटैटो इसको कैबेज, लेकिन वेजिटेबल इन दोनों से अलग कैसे हो सकता है, अलग हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल जो है इन दोनों को कवर करेगा, ये भी ऑप्शन हम लोगों का कट गया। डी ऑप्शन, डी बोलता है चलिए इसको हम मान लेते हैं वेजिटेबल, इसको मान लेते हैं पोटैटो, इसको मान लेते हैं कैबेज, तो पोटैटो सम पोटैटो, इसका मतलब क्या होता है कि सम पोटैटो इज कैबेज, तो सम पोटैटो तो कैबेज हो ही नहीं सकता है ना, दोनों तो अलग अलग सब्जी है, ये भी हम लोगों का गलत हो गया। ई ऑप्शन, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग पोटैटो, इसको मान लेते हैं वेजिटेबल, तो पोटैटो तो वेजिटेबल के अंदर आ गया, लेकिन फिर ये कैबेज, कैबेज वेजिटेबल के अंदर नहीं आ पा रहा, ये भी हम लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यही डायग्राम हम लोगों का यही रहेगा, इसमें से जो हम लोग सही और गलत किया उसको केवल मिटा देते हैं, क्योंकि इसके इसी डायग्राम के बेस पर काफी सारा क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आपको आंसर बताना है कि किसका क्या आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, सेकंड में क्या हम लोगों का, टेबल चेयर फर्नीचर, ठीक है, आप इसका सोच करके देखिए क्या होगा, टेबल चेयर फर्नीचर, इस क्वेश्चन में हम लोग देखें टेबल है चेयर और ये फर्नीचर है, तो टेबल चेयर दोनों किसके अंतर्गत में आता है, दोनों ही फर्नीचर है, लेकिन टेबल चेयर अपने आप में क्या होगा, इंडिविजुअली अलग होगा, ठीक है, तो फिर से यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का टेबल हो जाएगा और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, चेयर, और दोनों किसके अंदर में आएगा, फर्नीचर, तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, वीक डे ईयर, अगला थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का वीक डे ईयर, आप खुद ही सोच करके देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जैसे कि जो भी हम लोगों का डे होगा वो किसमें आएगा, वीक आएगा, अब वीक से मिलकर क्या बनता है, ईयर बनता है, ठीक है, तो सारा का सारा डे जो है वीक के अंदर आएगा और सारा का सारा वीक किसमें आएगा, ईयर में आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे अंदर वाला जो है इसको डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ये ज्यादा गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोगों का है इसका डायग्राम हम लोग देखे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा डे, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा वीक, ये हम लोगों का हो जाएगा ईयर, सारा का सारा डे जो है वीक के अंदर आएगा, सारा का सारा वीक जो है किसके अंदर आएगा, ईयर के अंदर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का जज थीफ क्रिमिनल, जज थीफ क्रिमिनल, जज मतलब हुआ जज साहब, थीफ मतलब चोर, क्रिमिनल मतलब सी, इसका सोच करके देखिए क्या होगा आंसर, ठीक है, इसका इधर हम लोग आंसर देखें, इसका आंसर हम लोगों का ई हो जाएगा। ई क्यों होगा आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी चोर होगा, इसको भी हम लोग फिर से बना देते हैं, और ये डायग्राम ई वाला इससे अलग है, जो भी चोर होगा, जो भी थीफ होगा वो क्या होगा, हम लोग का क्रिमिनल होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या है यहाँ पे जज साहब है, जज साहब का इनसे तो कोई रिलेशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जज साहब तो मतलब इन दोनों को फैसला देंगे, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन देखिएगा तो वो भी फिट नहीं बैठेगा, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं सबको, कोई मतलब फिट बैठेगा ही नहीं, केवल यही जो है फिट बैठा, क्यों, क्योंकि जो भी चोर है वही जाकर के बाद में क्रिमिनल बनता है, ठीक है, तो सारा चोर जो है क्रिमिनल के अंदर में तो आया, क्यों, क्रिमिनल एक बहुत बड़ा वर्जन हो गया, क्रिमिनल से बड़ा फिर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये सारा चोर जो है क्रिमिनल अंदर में आ गया और ये जज साहब वाला हो गए। अब मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है, ये हो गया हम लोगों का जज थीफ क्रिमिनल। उसके बाद हस्बैंड वाइफ फैमिली, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, हस्बैंड वाइफ फैमिली, आप खुद सोच करके देखिए क्या होगा इसका, तो हस्बैंड और वाइफ जो होगा, जैसे कि इसको हम लोग मान लेते हैं हस्बैंड, हस्बैंड क्या होगा ये मेल होगा, वाइफ क्या होगी ये फीमेल होगी, और दोनों किसके अंदर में आएगी, फैमिली के अंदर में आएगी, ठीक है, ये फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ, इसको इस बार टेबल चेयर को मिटाते हैं, ये हो गया हस्बैंड, ये हो गया वाइफ, हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअल दोनों अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हस्बैंड थोड़ा सा वाइफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि तो एक मेल है तो एक फीमेल है, उसके बाद आता फैमिली, दोनों किसमें किसके अंदर में आएगा, एक फैमिली के अंदर में आएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम को भी देखते हैं, कहीं पे जरूरत पड़े तो इसको फिर से बना लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगॉन, इसका आंसर देखिए सिक्स क्वेश्चन का, सिक्स क्वेश्चन हम लोग क्या बोलता है, स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगॉन, आप खुद ही सोच के देखिए,
ये जो स्क्वायर होता है ये आपस में रेक्टेंगल भी होता है, और जो भी रेक्टेंगल होता है वो पॉलीगोन होता है। पॉलीगोन करने का मतलब क्या होता है कि वो खाली नंबर ऑफ साइड्स जो है चेंज करते जाता है। स्क्वायर मेरा रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब a इक्वल टू b होता है, तो वही रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, a हो जाएगा। इसका आंसर हम लोगों का a हो जाएगा। a क्यों होगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए जो भी स्क्वायर होगा वो सारा किसके अंदर में आएगा, सारा स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर में आएगा। जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल होगा सारा किसके अंदर में आएगा, पॉलीगोन के अंदर में आएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्या है, बस कार व्हीकल। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ बोलता है हम लोगों का बस कार व्हीकल। इसको देखिए किसमें आएगा, देखिए बस भी अपने आप में अलग होगा, कार भी अपने आप में अलग होगा, लेकिन दोनों किसके अंदर में आएगा, व्हीकल में अंडर आएगा। तो फिर से ये हम लोग कौन सा हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। इसका भी आंसर बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया बस, ये हो गया कार, दोनों किसके अंदर में आएगा, व्हीकल के अंदर में आएगा, बी के अंदर में आएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, एनर्जी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। सी का डायग्राम क्या हम लोगों का, सी वाला डायग्राम कुछ इस तरह से था। सी वाला डायग्राम हम लोगों का है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या हम लोगों का, एनएक्सिटी ANXIETY एनएक्सिटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, एनएक्सिटी एनएक्सिटी मतलब तो जान ही रहे कि इसका मतलब होता है चिंता, इंटेलिजेंस मतलब तेज, और इसका मतलब जानिए स्ट्रेंथ मतलब एक काबिलियत बोल सकते हैं, एक तरह से मेरा इतना स्ट्रेंथ है काबिलियत। तो इसका आंसर जो है हम लोग क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपस में एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब ज्यादा चिंता करता है तो उसका तेज से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा तेज है तो उसका स्ट्रेंथ से कोई संबंध नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि वो तेज है तो उसके बाद स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं, तीनों दूसरे से पूरी तरह से अलग है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हाउस बेडरूम बाथरूम। कितना क्वेश्चन नंबर है ये, नाइन्थ में हम लोग का हाउस बेडरूम बाथरूम। देखिए फिर से ये हाउस होगा, बेडरूम बाथरूम किसके अंदर में आएगा, बेडरूम बाथरूम किसके अंदर में आएगा, हाउस के अंदर में आएगा। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, ये बेडरूम हो जाएगा, ये बाथरूम हो जाएगा, दोनों किसके अंदर में आएगा, हाउस के अंदर में आएगा। ठीक है, और बेडरूम और बाथरूम में कोई आपस में रिलेशन होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा बेडरूम का पार्ट जैसे कि बाथरूम का पार्ट होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि थोड़ा सा बाथरूम का पार्ट बेडरूम का पार्ट होगा, दोनों आपस में अलग अलग होगा, अब दोनों किसके अंदर में आएगा, हाउस के अंदर में आएगा। अगला है मस्टर्ड बैरी पोटैटो। मस्टर्ड बैरी पोटैटो, मस्टर्ड मतलब जानी है सरसों, इसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, बैरी मतलब हो गया जौ, इसको हम लोग जौ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का हो गया पोटैटो, पोटैटो मतलब हो गया आलू। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग सी ही हो जाएगा, इसका आपस में दूसरे से कोई संबंध नहीं है, मस्टर्ड अलग होगा, उसके बाद हम लोग जो है बैरी अलग होगा और पोटैटो अलग होगा। ठीक है, तो एक फिगर हम लोग और बनाते हैं, उसका एक बोर्ड में फिगर बनाएगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसका ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से अब आपको बताना, आप एक पिछले क्वेश्चन तो समझ भी गए होंगे आंसर हम लोगों को कैसे करना है, तो जिसमें 11वां क्वेश्चन है, इसमें 11th नंबर है, 11th नंबर में ऑप्शन दिया हुआ हम लोगों को एलिफेंट वुल्फ्स एनिमल्स। एलिफेंट वुल्फ्स एनिमल्स, वुल्फ्स मतलब जानते हैं भेड़िया, वुल्फ्स मतलब होता है हम लोगों का भेड़िया, एलिफेंट मतलब तो हाथी होता है। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन सोच करके, एलिफेंट वुल्फ, हाथी और भेड़िया दोनों क्या है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, जानवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, ये एलिफेंट हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा, और दोनों किस कैटेगरी में आएगा, एनिमल के कैटेगरी में आएगा, जानवर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 12 नंबर, 12 में क्या हम लोगों का, 12 नंबर मेटल आयरन क्लोरीन। ठीक है, हम लोगों का हाँ यही है, मेटल शॉर्ट में लिखते हैं ना, इतना लंबा लिख देते मेटल आयरन क्लोरीन। देखिए मेटल है, आयरन है, क्लोरीन है, तो आयरन जो है किसके अंदर में आता है, मेटल के अंदर में आता है, आयरन मतलब लोहा, लेकिन मेटल और आयरन का आपस में इन क्लोरीन से कोई रिलेशन नहीं है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का मेटल हो जाएगा, और ये मेटल किसके अंदर में आएगा, आयरन के अंदर में, मतलब आयरन हो जाएगा। आयरन किसके अंदर में आएगा, मेटल के अंदर में आएगा, और इसका क्लोरीन के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्या बोलता है, मैमल्स काउच क्रोच। ठीक है, 13th हम लोगों का मैमल्स काउच क्रोच। मैमल्स मतलब जान ही रहे, मतलब गाय का जो बछड़ा होता है उसको मैमल्स बोलते हैं, काउ मतलब गाय, क्रो मतलब कौवा। तो जो भी बछड़ा होगा वो किसका होगा, गाय की बछड़ा होगा। ठीक है, क्रो मतलब इसका आपस में कोई संबंध तो होगा नहीं, इसका आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है सो कि जो भी मैमल्स होगा इसके अंदर में, इसका आपस में कोई, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैमल्स होगा वो किसके अंदर में आएगा, काउ के अंदर में आएगा, और क्रो मतलब कौवा का इनसे आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, 14th में क्या बोलता है, वोमेन मदर्स विडोज। वोमेन मदर्स विडोज, इसका आंसर सोच करके देखिए क्या होगा, इसका आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, आप देख लीजिए, ये हुआ वोमेन्स, ये हुआ मदर्स, ये हुआ विडोज। ठीक है, तो जो भी मतलब कि ये तीनों है, वोमेन्स हुआ, मदर हुआ, विडोज हुआ। ठीक है, तो सारा किस कैटेगरी में आएगा हम लोगों का सारा जो है सो क्या होगा, लेडी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हालांकि थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, वोमेन्स मदर्स विडोज, वोमेन मदर्स विडोज। ठीक है, तो हम लोग यदि इसको देखते हैं, हम लोग इसको यदि देखते हैं तो सारा का सारा मदर जो है वो किसके अंदर में आएगी, विडोज के अंदर में आएगी। ठीक है, वोमेन के अंदर में आएगी, और इसको यदि हम लोग विडोज मान लेते हैं तो हो सकता है कि उस विडोज में से कुछ जो है सो कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट इसलिए था ना, इसको आप लोग भी देखिएगा, आप लोग से इधर होता है सॉल्यूशन तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि तीनों जो है सो कि वोमेन्स हुआ, मदर हुआ, विडोज हुआ, तीनों किस कैटेगरी में आएगा हम लोगों का, वोमेन कैटेगरी में आएगा। तो वोमेन के अंडर में तीनों को रहना चाहिए था, लेकिन जिस हम लोग ये फिगर बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ विडोज जो है सो कि वो वोमेन की कैटेगरी से बाहर आ जाती है। ठीक है, कुछ विडोज जो होगी मदर्स भी होगी हम मानते हैं, और कुछ विडोज जो होगी वोमेन भी होगी, ये भी हम मानते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का, हालांकि की बुक में आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलते हैं अगला, तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। ये मेटल आयरन वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो तो पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था IBPS PO 2003, सेकेंड क्वेश्चन था IBPS 2002, थर्ड क्वेश्चन था मैट 2003, फोर्थ क्वेश्चन था RRB 2004, फिफ्थ क्वेश्चन था SSC 2003, सिक्स क्वेश्चन कहीं नहीं था, सेवन्थ क्वेश्चन था बस कार व्हीकल MBA 2005, एट्थ क्वेश्चन था बैंक PO 2003, नाइन्थ क्वेश्चन था RRB 2006, टेंथ क्वेश्चन था बैंक PO 2004। उसी तरह से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम लोग एक का देख लिया, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का वोमेन्स में, ये कहीं पूछा हुआ नहीं है, अगला जो करेंगे वो हम लोगों का पूछा हुआ है। ठीक है, 15th में क्या हम लोगों का, ये भी ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। ऑथर्स टीचर मैन, ऑथर टीचर मैन, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑथर टीचर मैन। देखिए इन तीनों का आपस में रिलेशन हो सकता है, हो सकता है कुछ ऑथर टीचर हो सकता है कुछ ऑथर मैन हो। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा ऑथर जो है सो कि मेन ही होगा, सारा टीचर जो है सो कि मेन ही होगा, मतलब कि फीमेल टीचर भी हो सकती है, फीमेल ऑथर भी हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऑथर टीचर हो और वही ऑथर मतलब कि मेन भी हो। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यदि अगर हम लोग इसको ऑथर मानते हैं, इसमें हम लोग कुछ मतलब फिगर में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन के लिए यही फिगर होता है, एक क्वेश्चन के लिए फिगर चेंज कर देने से ना फिर बार बार दिक्कत हो जाता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दिए थे, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हो सकता है और भी किसी क्वेश्चन का ही आंसर हो। इसको हम लोग देख लेते हैं डी वाले फिगर को, तो आप सोच के देखिए ये क्यों होगा, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ये वाले को। ठीक है, इसको ये क्लीनिंग हो गया। ठीक है, इसमें कैसा फिगर था हम लोगों का, ये था ना, ये और ये, इसको इस तरह से कट रहा है। देखिए इसको यदि हम लोग क्या मान लेते हैं, ये ऑथर है, ये टीचर है, ये मैन है। तो देखिए कुछ मतलब कि ये जो होगा, इसके बारे में इस तरह का फिगर काफी ज्यादा डिस्कस भी किया है। ये जो पॉइंट होगा, ये ऑथर भी होगा, मेन भी होगा, ये टीचर भी होगा, दोनों का डिटेल में डिस्कस करने का फायदा है नहीं, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा देख चुके हैं। 16th क्वेश्चन क्या हम लोगों का, केरला बिहार इंडिया, केरला बिहार इंडिया, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया उसी तरह का। केरला और बिहार क्या है, इंडिया का स्टेट्स है,
ठीक है, तो केरला बिहार दोनों किसके अंदर में आएगा, इंडिया के अंदर में आएगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोग का, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का केरला हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का बिहार हो जाएगा, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये इंडिया हो जाएगा, केरला बिहार आया तो जीएस के ऑप्शन हम लोग देख भी सकते हैं, मतलब ये हम लोगों का इंडिया का मैप है, तो बिहार बिहार कहीं यहाँ पे, केरला कहीं यहाँ पे नीचे में होता है, ठीक है, यदि हम लोग इंडिया का मैप लगभग इस तरह से ऐसे कुछ बनाते हैं तो ये यहाँ पे हम लोगों का केरला आता है, यहाँ पे हम लोगों का कहीं पे बिहार आता है, उतना अच्छा मैप मैं बना नहीं पाया हूँ सॉरी इसके लिए, लेकिन हम अंदाजा एक दिला दिए ताकि हम लोग जीएस भी साथ साथ कहीं कोई वर्ड्स आए उसको हम लोग साथ साथ लेते चले, और आर्टिकल भी देखिएगा तो राज्य वाला किसमें डिस्कशन था, भाग वन में आर्टिकल वन से लेकर के फोर तक, ठीक है, राज्य का वही मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, राज्य का मतलब कि कोई बाहर का राज्य हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल टू के अंदर होता हुआ किसी मतलब कि यदि केरला और बिहार में झगड़ा हो जाता है तो इसका रेजोल्यूशन किसमें होगा, आर्टिकल थ्री में होगा, नाम क्षेत्र या तो फिर मतलब उसको लेकर कोई विवाद होता है तो ठीक है, वो तो मतलब जीएस का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं उससे, केरला बिहार इंडिया 16th क्वेश्चन हुआ, 17th ऑटोमोबाइल्स कार्स मोटरसाइकिल्स, फिर से इसका देखिए 17th में क्या बोलता है, ये उसी तरह क्वेश्चन हो गया, ऑटोमोबाइल्स कार्स मोटरसाइकिल, देखिए कार और मोटरसाइकिल किसके अंदर में आएगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर में आएगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध होगा, कार और मोटरसाइकिल का कोई संबंध नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यदि हम लोगों का कार है ये मोटरसाइकिल है तो दोनों किसके अंदर में आएगा, ऑटोमोबाइल के अंदर, ये उसी तरह क्वेश्चन हो जाएगा बस कार और बाइकर वाला, ठीक है। 18th क्वेश्चन ब्रिक हाउस ब्रिज, 18th में हम लोगों का ब्रिक हाउस ब्रिज, ठीक है, ये हम लोगों का जो है ब्रिज हाउस और ब्रिज दोनों किससे बना होगा, ब्रिक से बना होगा, ईट से बना होगा, ठीक है, तो ब्रिक का किससे, हाउस से भी संबंध होगा, ब्रिज से भी संबंध होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वाला ई वाला, तो यदि इसको हम लोग ब्रिक मान लेते हैं, इसको हम लोग हाउस मान लेते हैं, इसको हम लोग ब्रिज मान लेते हैं, तो जो हम लोग का हाउस और ब्रिज बनता है तो कोई जरूरी नहीं तो हाउस केवल और केवल ब्रिक से, मतलब ईटा से ही बनता हो, ईटा के अलावा भी बहुत सारा मटेरियल होता है, सीमेंट होता है, रॉड होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है, ठीक है, तो लेकिन कुछ ना कुछ ईटा का उसमें पोर्शन होगा, ब्रिज ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में कुछ ना कुछ ईटा होता है और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसका आंसर हम लोगों का ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, 19th टी कॉफी बेवरेज, टी कॉफी बेवरेज, बेवरेज के स्पेलिंग हम लिख देते हैं पूरा, बीई बी आर ए जी ई एस, बीई बी आर ए जी ई एस, बेवरेज मतलब होता है पे, मतलब पीने योग्य, टी है कॉफी है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए टी और कॉफी इन दोनों आपस में अलग अलग है लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है, दोनों को हम लोग पीने में काम लाते हैं, दोनों का बेवरेज है पी, तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों का क्या हो गया बेवरेज, इसके अंदर में टी और कॉफी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स 20, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स इससे आपस में देखेंगे तो क्या संबंध होगा, बॉयज है स्टूडेंट्स है तो जो स्टूडेंट्स है हो सकता है उसमें कुछ बॉयज भी हो गर्ल्स भी हो, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स हो, एथलीट्स में हो सकता है कुछ स्टूडेंट एथलीट्स ना भी हो, ये बॉयज स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट एथलीट भी हो सकता है, ठीक है, तो तीनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको स्टूडेंट मानते हैं, इसको एथलीट मान लेते हैं, यहाँ पे जो होगा वो बॉयज स्टूडेंट भी होगा एथलीट भी होगा, उसी तरह से एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन का क्या मतलब होता है, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको बॉयज है ये स्टूडेंट है ये एथलीट है, ये वाला रीजन ओनली बॉयज, ये ओनली स्टूडेंट, ये ओनली एथलीट, ये बीच वाला पूरा रीजन, ये बीच वाला पूरा रीजन, ये वाला बीच वाला पूरा रीजन होता है बॉयज एंड स्टूडेंट, ठीक है, दोनों है, अब ये वाला जो रीजन है इसमें बॉयज स्टूडेंट एथलीट भी है, ये वाला पोर्शन इसको ये बात करेंगे तो बॉयज एंड स्टूडेंट ओनली, उसी तरह से जैसे इसका ये बॉयज एंड स्टूडेंट ओनली, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एंड एथलीट ओनली, और ये हो जाएगा बॉयज एंड एथलीट ओनली, और इसमें तो तीनों आ ही रहा बॉयज स्टूडेंट एथलीट, और ये तो बता ही दिए कि ओनली वाला केस होता है, ओनली बॉयज ओनली स्टूडेंट ओनली एथलीट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ 11 से लेकर के 20 तक, और हम लोग चलते हैं कुछ कैटेगरी 2 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि अभी हम लोग जो कर रहे थे वो एक्सरसाइज 9A था, उसका मतलब उसका सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो सारा क्वेश्चंस कर पा रहे हैं पॉसिबल नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछिए, उसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन किए थे और आपका टोटल जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो 125 है,
तो सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9B की तरफ, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल को भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इलस्ट्रेटिव 2 लिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9B में भी लगभग हम लोगों का क्वेश्चंस है, हमारे क्वेश्चंस जो टोटल है इसका भी मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा। अब सारे 95 क्वेश्चंस है, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें भी कोई क्वेश्चन होता है आप पूछिए हमसे, ठीक है। और उसके एडिशनल क्वेश्चंस विद आंसर्स है, इसमें जो है सो कि सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसको भी मैं अवेलेबल करा दूंगा PDF में, जिसमें भी आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। इसमें हम लोगों का 35 क्वेश्चंस है, ठीक है। उसमें भी कहीं कोई डाउट होता है पूछिए हमसे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, हालांकि हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, लेकिन आज प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम लोग सीरीज रखे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये पेज नंबर 9.16 है, एग्जांपल 2 है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट 2002 का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल फिगर्स। देख करके बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मतलब सारे में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन हम लोगों का इसमें 3, 4, 6, none of these, 3, 4, 6, none of these, ठीक है। बताइए हमको इसमें, देखिए इसमें से हम बता चुके हैं कैसे आपको ट्राई करना, वही मैंने से ट्राई कीजिए। इसमें से जो है सो कि केवल एक ही फिगर है, मतलब एक ही नंबर है जो कि सारे में बिलोंग कर रहा है, वो कौन सा नंबर है। एक्चुअली में देखा जाए ना, इसमें एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सारे में बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि ये दोनों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। ये दोनों का आपस में, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इन दोनों का आपस में देख लीजिए कोई संबंध नहीं। यदि अगर हम लोग बड़े मुश्किल से इस 9 को लेते हैं, ये 9 तीनों में है, देखिए इसमें भी है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, ये 3 इस स्क्वायर में भी है, ट्रायंगल में भी है, लिख लिया है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ थ्री। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि सारे के सारे फिगर में बिलोंग करता हो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू 2 फिगर्स ओनली, ठीक है। इसमें अपन मतलब सम पूछा गया जो कि 2 फिगर में बिलोंग करता है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल से देखना है 2 फिगर में जो बिलोंग कर रहा है उसका हम लोग को समेशन निकाल देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा केवल 2 वाले का ही निकालिएगा, ऐसा नहीं कि जो 3 में हो उसका भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच बिलोंग्स टू 2 फिगर ओनली, ओनली वर्ड यूज कर दिया, ओनली नहीं यूज करता तब 2 वाला को भी लेते, 3 वाला को भी लेते, ठीक है। आप लोग देखिएगा बुक का जो PDF अवेलेबल कर रहा हूं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 फिगर वाला को लेंगे, इस 2 की बात करते हैं। देखिए ये केवल 2 फिगर में, किसमें किसमें है, ये इस स्क्वायर में है और ये इस सर्कल में है। तो अब एक काम दे दिया, सबको फटाफट ऐड करते जाते हैं, 2 हुआ, 4 हुआ, ये 3 वन नहीं होगा, आप देख सकते हैं केवल ये एक ही फिगर में, सर्कल से बाहर है, ये 3 नहीं होगा क्योंकि ये 3 फिगर में है, ये 5 नहीं होगा क्योंकि ये केवल एक फिगर में है, 7 नहीं होगा क्योंकि ये केवल एक फिगर में है, 6 होगा क्योंकि ये 2 फिगर में है, 6 होगा, 9 नहीं होगा ये 3 में है, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा क्योंकि ये 2 फिगर में, एक इसमें है एक इसमें है, प्लस 8, प्लस 1 नहीं होगा क्योंकि केवल एक फिगर में है, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8, 6, 14, 18, 2, 20, तो 20 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस क्या क्या था, ऑप्शन था आपका 6, 15, 20, नॉन ऑफ दीज, तो 20 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स व्हिच बिलोंग्स टू 3 फिगर्स ओनली, ये ओनली वर्ड यूज कर देगा तो ओनली अवेलेबल है, आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, ये 3 और 9 ये दोनों में बिलोंग कर रहा, 3 × 9 = क्या हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या था, 27, 162, 648, 27 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स व्हिच बिलोंग्स टू 1 फिगर ओनली, ठीक है, 1 फिगर ओनली मतलब 1 फिगर ओनली में जो बिलोंग करता है उसका समेशन हमको बताना है। तो बताते जाइए फटाफट, जो 2 में नहीं आ पाया, 3 में नहीं आया, तो सारा 1 में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 + 3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 7, ये 4 भी हो जाएगा, ये 4 भी हो जाएगा, बस और तो कोई नहीं होगा, सब 2 और 3 में आता है, जोड़ दीजिए 3, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 4, 21, 21 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस क्या क्या था इसका, ऑप्शन था 5, 16, 21, नॉन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली, तो 2 फिगर्स का हम लोग समेशन ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये हम लोग का 2 फिगर वाला था ना, अब इसका क्या कीजिए, वो निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो 2 × 4 × 6 × 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 48, 48 × 8, 48 × 8 करेंगे 36, 6 × 8 = 32, 6 × 38, आंसर कितना हो जाएगा, 384। ऑप्शंस क्या था, 64, 192, 384, नन ऑफ दी। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है, ठीक है। हमारे पास टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, लेकिन आप जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, मैं सारा का PDF अवेलेबल करा। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने के लिए रेडी है, ठीक है।
तो आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। कितना